मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में कि साल 2020 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। हम जानेंगे वार्षिक राशिफल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसा प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध होता है और राशि चक्र में इस राशि का छठा स्थान है। इस राशि के व्यक्ति परिवार की भलाई हेतु हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं, फिर भी इनका सम्मान कुछ कमज़ोर ही रहता है, लेकिन हमेशा ये अपने कर्तव्य को काफ़ी भली भांति निभाते हैं। ये स्वाभिमानी होते हैं और बुद्धिमान से काम निकलवाना भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि इनके जो आर्थिक जीवन है साल 2020 में कैसा रहने वाला है। जो इनका वित्तीय पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, वो काफ़ी मजबूत होगा। इस वर्ष आप धन की बचत कर पाने में काफ़ी सफल रहने वाले हैं। आप कोई नया वाहन, घर और या फिर कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। रिश्तेदार आपसे आर्थिक सहायता की उम्मीद करेंगे और आप उन उम्मीदों पर काफ़ी खरा भी उतरेंगे। अगली जो बात है वो है करियर और व्यापार के बारे में। करियर आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए साल 2020 काफ़ी चमक सकता है। इस वर्ष आपकी नौकरी वालों के लिए नौकरी में स्थानांतरण भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या फिर उनके मन मुताबिक वो अपनी नौकरी को चेंज भी कर सकते हैं। और आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी सफलता को देख कर बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे और बहुत लाभ की प्राप्ति आपको उससे हो सकती है। अपने कार्यस्थल पर अपने विरोधियों से बच कर रहें, अदरवाइज जो वो आपकी छवि है, आपके बनी हुई है, मान सम्मान आपका बना हुआ है, उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की कि इस वर्ष पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला रहेगा। साल के शुरुआत के महीनों में आपका परिजनों का सहयोग जो है वो प्राप्त होगा, लेकिन व्यस्तता के कारण, काम की व्यस्तता के कारण आप उन्हें काफ़ी कम समय दे पाएंगे। मार्च में संतान की गतिविधियों पर आपको काफ़ी नज़र रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई से भी भटक सकता है और वो अपनी मंजिल से भी भटक सकते हैं। ज़्यादा वाद विवाद न करें उनसे, अन्यथा आपके जो वैचारिक मतभेद है आपके संतान को आपसे दूर भी ले जा सकते हैं। जुलाई में संतान की तरफ से आपको काफ़ी शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका जो पारिवारिक जीवन है वैसे सुचारू चलेगा। आपका जो अपनी पत्नी के साथ है, अपनी वाइफ के साथ है, वो जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपका पार्टनर आपका पूर्ण सहयोग देगा, हर मुश्किल में आपके साथ होगा और इस वर्ष आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। साल के मध्य में लव लाइफ और भी ज़्यादा सुधरेगी, और भी ज़्यादा मधुर होगी और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने पार्टनर से शादी की बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के लिए साल 2020 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के कारण आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो मनोबल है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आएगा। मौसम के परिवर्तन के कारण छोटी मोटी समस्या आपको हो सकती है और छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप वैसे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। मानसिक दबाव आपको साल के मध्य में थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।